गुमला के पालकोट में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, मारा गया 10 लाख का इनामी नक्सली। भाकपा माओवादी का जोनल था अतिन जी। राजवल्लभ को सरेंडर के लिए 30 दिनों की मिली मोहलत पर सुशील मोदी की तल्ख प्रतिक्रिया, पुलिस और न्यायालय पर लगाया गंभीर आरोप। पुलिस और वहां का न्यायालय मिला हुआ है उस अपराधी को संरक्षण देने के अंदर। राजवल्लभ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश, नवादा में आरोपी विधायक के घर चिपकाया गया इश्तेहार, अग्रिम जमानत के लिए राजवल्लभ ने खटखटाया पटना हाईकोर्ट का दरवाजा। कन्हैया के बचाव में फिर उतरे नीतीश, कहा देशद्रोही होने के सबूत पेश करे केंद्र सरकार। कोर्ट परिसर में छात्र नेता की पिटाई पर भी बिफरे नीतीश। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, 10 चरणों में होगा मतदान। 24 अप्रैल को पहला चरण, 30 मई को आखिरी चरण। नीतीश कैबिनेट में 34 एजेंडों पर लगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 15 मामलों पर मुहर। रांची में मोनोरेल के लिए अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी। 58 से 60 हुई होमगार्ड के जवानों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा। टिकटों की कालाबाजारी को लेकर जी मीडिया का एक और बड़ा खुलासा, दोगुने पैसे देकर आसानी से टिकट मुहैया कराते हैं रेलवे के ऑथराइज्ड एजेंट। और एशिया कप का आगाज कल से, पहले मैच में भारत और बांग्लादेश आमने सामने। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खेलने पर सस्पेंस बरकरार, पार्थिव पटेल को मिल सकता है मौका।